जय हिंद दोस्तों। होली का पावन पर्व जैसे कि आप पूरे इंडिया में सेलिब्रेट हो रहा है और ये हम सीआरपीएफ कैंपस के अंदर है। आप देख सकते हो पीछे पूरा बैकग्राउंड देख सकते हो और ये हमारी टोली चल रही है आज सीआरपीएफ के लिए। आज संडे था, आउट पास जा रहे हैं, शाम को सेलिब्रेट होगा। ये स्कॉट 36 के मेंबर यानी कि यहाँ चल रही है, स्कॉट नंबर 36 के मेंबर है और यहाँ पे रेड टैक्सी चलती है। पहुँच गए हम, कहाँ पहुँचे आप बताइए कमेंट में। खाया बढ़िया सा हमने, करा लंच और संडे का काफी इंतजार होता है, बाहर जाते हैं तो दिल से मतलब दबा के चीजें खाते हैं और घर आना है। अम्मा के लिए और दादी के लिए साड़ियाँ ले लें, बढ़िया सी चंदेरी कॉटन की साड़ी ली हमने और उसके बाद साड़ी लेने के बाद आ गए वापस बैरिक आ गए। और आज था अपना फेस्टिवल सेलिब्रेशन होना था, होली का दहन होना था, तो सारे लोग तैयार हो गए। हमारा योग शुभम और ये सब पंडित जी से तिलक लगाते हुए और अब देखिए यहाँ पे अलग ही माहौल सा क्रिएट हो गया था। सारी बिंग यहाँ पे अल्फा चार्ली 90s B डेल्टा सब खड़ी हुई थी, बट एक चार्ली जो बिंग है, आप जब भी आओगे ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, अगर आप रिसेंट बेच में आने वाले ट्रेनिंग में, तो आपको चार्ली बिंग का नाम बहुत सुनने को मिलेगा। यहाँ पे सब लोग एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खड़े हुए हैं, चार्ली अलग ही अपना मज़े कर रही हैं। फाइनली आईजी सर का बहुत देर से इंतजार था और आईजी सर यहाँ पे आ चुके हैं और आईजी सर आप देख सकते हो पूरे सब लोग सावधान की पोजीशन में खड़े हुए हैं। ये हमारा डेल्टा विंग खड़ा है जिसमें लड़कियाँ भी हैं, कुछ लड़के हैं, साथ में हमारा स्टाफ खड़ा हुआ है, आईजी सर की गाड़ी और ये कुछ फैमिली मेम्बर्स आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा जो अल्फा विंग खड़ी है, और जब पूरी पूजा पाठ हो गई फाइनली उसके बाद होली का ऑलमोस्ट 6:30 बजे के आसपास होली का दहन हुआ है और सारे लोग मतलब बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सब लोग चक्कर लगा रहे हैं होली का दहन का। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर आपके ट्रेनिंग सेंटर में गर्ल्स भी ट्रेनिंग करती, तो हाँ मैं बताना चाहूँगा अभी जो अपकमिंग गर्ल्स यहाँ पे सीआरपीएफ ट्रेनिंग में आने वाली है तो आपको शायद कोयम्बटूर भी ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा और ट्रेनिंग सेंटर कोयम्बटूर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप यहाँ पे आओगे तो आप डेफिनेटली ऑब्सेस्ड हो जाओगे ट्रेनिंग सेंटर से। और ये होली का दहन इतना बड़ा हम लोगों ने पूरा तैयार करा हुआ और अभी उसको आईजी सर के द्वारा वहाँ पे आग लगाई गई हुई और ये दहन हुआ होली का। उसके बाद हुआ सब लोगों का तांडव। आप तांडव एक मज़ेदार है, आप देख सकते हो सब लोग खुल के नाचे, खुल के सारी एक्टिविटीज़ करी। काफ़ी लोग बोलते हैं सर फौज में क्या डिसिप्लिन के नाम में सब कुछ मोनोटोन में हो जाता है, तो आप बताइए कि अभी आपकी होली ऐसे सेलिब्रेट हो रही है जिस तरीके से हमने यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और ये कुछ ऐसे ऐसे पल होते हैं जो हमें काफ़ी यादगार रहते हैं। और ये देखिए चांद और कितना खूबसूरत ये व्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बहुत प्यारा व्यू हमको ये ऑब्जर्व हुआ। उसके बाद आप हमारे एनर्जी का लेवल आप देख सकते हो, ये हमारी चार्ली कंपनी के चीते हैं, उसके बाद हमारे अल्फा और डेल्टा हुआ और 90s B के लड़के, टोटल यहाँ पे 850 के आसपास SI कैडेट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर आज ब्रावो की ऊटी गई हुई थी, ऊटी 40 की हुई था बट कैंसिल हो गया। ये रीज़न था कि हम लोगों को शाम को और ज़्यादा इन्जॉय करना था, नेक्स्ट टाइम हम ऊटी जाएंगे तो उसके ऊपर भी एक प्रॉपर ब्लॉग लेके आएंगे। सो ये आज पहले दिन का होली का सेलिब्रेशन चल रहा है, कल इससे बेहतरीन सेलिब्रेशन इंतजार हमारा कर रहा है और काफ़ी आज मतलब मज़े से नाचे सारे लोग, बहुत एकदम बिल्कुल आप बता नहीं सकते हम इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने इन्जॉय करी। अच्छा एक चीज़ तो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जब भी आप ज्वाइन करते हो तो पूरे ऑल इंडिया से आपके कनेक्शन हो जाते हैं। अब हम जब यहाँ पे अब इन्जॉय कर रहे हैं तो यहाँ पे पंजाब का लड़का भी है, हरियाणा के भी हैं, राजस्थान से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं, तमिलनाडु से भी हैं, केरला से भी हैं, कर्नाटक, हैदराबाद, इवन तो नॉर्थ ईस्ट से भी हम लोगों के साथ में उस्ताद भी साथ में नॉर्थ ईस्ट के हैं और साथ ही साथ SI कैडेट्स भी यहाँ पे ट्रेनिंग करने आए। तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया यहाँ के हर कोने से लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, अपनी सिटी को, अपने देश को, अपने गांव को। और ये जब माहौल बनता है हर जगह के लोग एक साथ एक गाने पे एक धुन में और बेखौफ होकर जब नाचते हैं तो एक अलग ही वाइब हमको देखने को मिलती है हमारी। और ये जब SM साहब कुछ अपना संदेश देते हुए, SM साहब बोल रहे थे बंद करो, बट हमारे बंदे कहाँ मानने वाले हैं, जब ये जोश और जुनून उनके सर पे सवार हो तो कौन रुकने वाला है। फिर सर ने कहा चलो 20 मिनट और सही, तो फिर ये 20 मिनट की शुरुआत हमारे CI साहब को हम लोग बिल्कुल उठा के लाए वहाँ से और एकदम बिल्कुल बीच महफिल में डाल दिया। तो CI साहब का भी हमारे डांस निकल गया, देखिए कितने बेखौफ तरीके से वो भी अपने मज़े कर रहे हैं और मूव देख के आप भी कायल हो जाओगे उनके। उसके बाद ये जो हुआ है मज़ेदार है, पूरा यादगार रहेगा। हमें हमेशा ट्रेनिंग एक ऐसी जर्नी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी यूनिफॉर्म सर्विस की जो आपको लाइफ लॉन्ग याद होने वाली होती है और हमेशा रहती है। होली हमेशा फौज में बहुत यूनिक तरीके से सेलिब्रेशन करी जाती है, तो कल भी हमारा होली का फेस्टिवल होने वाला है और ये आज की कुछ खूबसूरत तस्वीर आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। आप देखिए कितनी प्यारी तस्वीर है आज क्लिक हुई है फ़ोन से और इसका तो कोई जवाब नहीं। सो दोस्तों कल भी बने रहिए हमारे साथ।